नमस्ते, मैं डॉक्टर तुषार पाटिल सह्याद्री हॉस्पिटल पुणे यहाँ कैंसर स्पेशलिस्ट के तौर पर काम करता हूँ। यह वीडियो सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस के लिए है। सर्विक्स ये यूट्रस के नीचे वाला एक ऑर्गन है। यूट्रस या गर्भपिशवी जिसको हम बोलते हैं, उसके नीचे एक सर्विक्स नाम का प्रोजेक्शन है जो समय के साथ बहुत सारे चेंजेस दिखाता है स्त्रियों में। और स्त्रियों का एक बहुत कॉमन कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर के बाद सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर सर्वाइकल रीजन का पाया जाता है। जो ग्रामीण भागों की स्त्रियां हैं उसमें ये फर्स्ट नंबर का कैंसर पाया जाता है। इसका इम्पोर्टेंस या महत्व इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि इसके लिए प्रिवेंटिव स्टेप्स बहुत सारे हैं। अनफॉर्चुनेटली इतने स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स होने के बावजूद रूरल एरियाज में इन स्क्रीनिंग की पहुँच कम हुई है और आज भी बहुत सारी स्त्रियां इससे प्रभावित होती हैं और इससे मृत्युमुखी भी पड़ती हैं। इस वीडियो के द्वारे हम जागृति पैदा करना चाहते हैं ताकि इस कैंसर को हम मात कर सकें या अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकें या प्री कैंसरस डिटेक्ट कर सकें। दोस्तों, सर्वाइकल कैंसर ग्रामीण भागों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है स्त्रियों में, और इसका एवरेज एज अगर हम बोले तो 45 टू 55 या 60 के बीच में है। इसके कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं। एक इंपॉर्टेंट कारण वायरल इन्फेक्शन है जिसको हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बोलते हैं। उसकी कुछ प्रजातियां हैं या स्ट्रेन्स हैं जिसके वजह से ये कैंसर हो सकता है, लेकिन कैंसर कभी भी रातों रात नहीं होता। पहले ये वायरस उस ऑर्गन पर हमला करता है जिसको हम सर्विसाइटिस बोलते हैं, उसमें सूजन या इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। यूं तो 90% लोगों में या स्त्रियों में ये वायरस एक बार इन्फेक्ट हो जाए उसके बाद ये बॉडी से निकल जाता है, लेकिन कुछ स्त्रियों में इसका इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन बना रहता है जिसे हम क्रॉनिक सर्विसाइटिस बोलते हैं। और इस इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन की वजह से बाद में आगे चल के अगले 10 या 15 सालों में कैंसर की उत्पत्ति होती है। इस इन्फ्लेमेशन के अलग अलग स्टेजेस हैं और 1, 2, 3 इसके बाद वो कैंसर में तब्दील होता है। ये बताने का उद्देश्य इसलिए कि हम इस प्री कैंसर स्टेज में भी इस इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं और उस समय अगर उचित उपाय करें तो कैंसर का पूरी तरह से होना ही रोक सकते हैं। ये वायरस बहुत ही इम्पॉर्टेंट कारण है कि उसकी वजह से ये कैंसर सर्विक्स का होता है, जो 70% लोगों में वायरस उसका कारण है, 30% लोगों में अभी भी हमको बाकी के कारण पता नहीं है। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो कॉमन सिम्टम्स हम इसको बोलते हैं पर्वजैनल डिस्चार्ज, ब्लड आना या ब्लडी डिस्चार्ज होना ये कॉमन सिम्टम है। लोअर एब्डोमेन में पेन होना या दर्द होना ये उसका सेकेंड कॉमन सिम्टम है। सो ये जो सिम्टम्स है ये बहुत ही सटल हैं या स्त्रियों के लिए कई बार इस स्त्रियां इसको नज़रअंदाज करती हैं कई सालों तक, और जब ये बहुत बढ़ जाता है तभी वो हमारे पास आती है। इसका डायग्नोसिस या निदान कैसे किया जाए, तो सिंपल टेस्ट है जिसको हम बायोप्सी बोलते हैं कि हम नीचे एग्जामिन करके एक टुकड़ा निकालें और उसको जाँच के लिए माइक्रोस्कोप के नीचे भेजें। ये हुआ कैंसर का डायग्नोसिस। कैंसर के पहले जिसको हम प्री कैंसर स्टेज बोले उसको हम एक पैप स्मियर नाम की एक सिंपल टेस्ट है जिसके द्वारा हम डिटेक्ट कर सकते हैं। पैप स्मियर का एडवांटेज ये है कि उसमें हमको ना ही कैंसर या उसके प्री कैंसर स्टेजेस बट अंदर की स्वेलिंग या सूजन का भी पता चल सकता है और अप्रोप्रिएट स्टेप्स हम ले सकते हैं वो इन्फेक्शन या सूजन कम करने का। तो दोस्तों, डायग्नोसिस बहुत सिंपल या सरल है बायोप्सी द्वारे। एक बार कैंसर का बायोप्सी से निदान हो जाए या डायग्नोसिस हो जाए उसके बाद MRI, CT स्कैन या PET स्कैन करके हम उसका स्टेजिंग कर सकते हैं। रही बात ट्रीटमेंट की, सर्वाइकल कैंसर में बहुत ही अर्ली स्टेजेस में ही सर्जरी का रोल है। फर्स्ट या अर्ली सेकेंड स्टेज में हम सर्जरी कर सकते हैं, बाकी सब स्टेजेस में सर्जरी का कोई महत्व नहीं है। सेकेंड और थर्ड स्टेजेस में यूजुअली कीमो रेडिएशन दोनों कंबाइन करके 1.5 या 2 महीने की ट्रीटमेंट है जो हम करते हैं।
फोर्थ स्टेज में जब ये कैंसर दूसरी जगह पे फैल चुका होता है तब सिर्फ कीमोथेरेपी का सहारा देके इसे हम कम कर सकते हैं। आजकल कीमोथेरेपी में बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं, नए नए ट्रीटमेंट्स आए हैं, टारगेटेड थेरेपीज आए हैं, इम्यूनोथेरेपी आए हैं, जिसका सहारा लेके हम पेशेंट को एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं और ऑफ कोर्स हम उसका लाइफ एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो ये हुई ट्रीटमेंट की बात, इसमें सर्जरी, कीमो रेडिएशन और कीमोथेरेपी शामिल हैं। पर एज एन ऑन्कोलॉजिस्ट मेरा सबसे इम्पोर्टेंट मोटो रहेगा प्रिवेंशन, जिसके लिए पैप स्मियर मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। सभी स्त्रियां जो 21 साल की उम्र की हैं या उससे आगे हैं उनमें पैप स्मियर साल में एक बार करना ज़रूरी है। 3-4 साल तक अगर हमारे स्मियर्स नेगेटिव आ रहे हैं किसी भी तरह के इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन के लिए, उसके बाद हम हर 2 या 3 साल में यही पैप स्मियर कर सकते हैं। एक और प्रिवेंशन की बात, जैसे मैंने बोला आपको कि ये 70% लोगों में ये कैंसर वायरस ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है। इस वायरस के कुछ स्ट्रेन्स या प्रजातियां हैं जिसके ऊपर हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है। अगर इन वैक्सीन का प्रयोग लड़कियों पर करें ताकि ये इन्फेक्शन हो ही नहीं, तो इस इन्फेक्शन से होने वाले सर्वाइकल कैंसर्स पूरी तरह से प्रिवेंट किए जा सकते हैं। ये वैक्सीन स्कूल में जाने वाली लड़कियों के एज में रिकमेंडेड है और ये डॉक्टरी सलाह से इजीली उपलब्ध है। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। रूटीन वैक्सीनेशन प्रोग्राम में इसको शामिल कर लेना यह हमारा आग्रह रहेगा सरकार की तक को, बट अभी तक ये हुआ नहीं है। इंडिविजुअल लेवल पे हम सबको ये रेकमेंड करेंगे कि जितना जल्दी हो सके स्कूल जाने वाली छात्राओं को हम ये वैक्सीनेशन दें, ताकि एटलीस्ट 70% कैंसर्स जो सर्वाइकल कैंसर है जो इन वायरसेस की वजह से हो सकते हैं वो हम प्रिवेंट कर सकें। ये एक प्रिवेंटेबल कैंसर है, ये एक ट्रीटेबल कैंसर है। अगर हम जल्दी पहुँचते हैं डॉक्टर के साहब के पास, ऑन्कोलॉजिस्ट के पास, जाँच करवाते हैं, इलाज कराते हैं, तो इसमें सक्सेस होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। स्टेज 1 में 90% लोग पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। स्टेज 2 में भी करीब 60-70% लोग पूरी तरह से ठीक हो पाएंगे। स्टेज 3 जिसमें सर्जरी नहीं कीमो रेडिएशन ही दिया जाता है, यही प्रमाण करीब 50-55% का है। लेकिन एक बार कैंसर स्टेज 4 पहुंच जाए उसके बाद इसमें सिर्फ लाइफ एक्सटेंशन पॉसिबल है, जो कि मैं नहीं चाहता। अगर अर्ली स्टेज में हम डिटेक्ट कर सकते हैं तो एक पोटेंशियल चांस ऑफ क्योर है। तो मेरा यही अनुरोध रहेगा कि एक तो वैक्सीन जो हम छात्राओं को दे सके और दूसरा पैप स्मियर जो हम 21 साल के बाद ज़रूरी हर साल करवाएं। अगर आपको कोई भी शंका हो तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी शंकाओं का निवारण तुरंत करेंगे।